अपनी फॉर्चुनर चल चुकी है 91,029, तो एक तरह से जो इसकी 90,000 वाली सर्विस है वो ड्यू हो चुकी है। पता लगाएंगे आज की वीडियो में क्या खर्चा आता है, कैसा एक्सपीरियंस है। A few moments later, भाई साहब होश ही उड़ गए सर्विस कॉस्ट देख के। तो ये है टोयोटा, आप खुद देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा इसमें। इस छोटी सी चीज के 1500 रुपए, तो मतलब मेरे को ना थोड़ा ओवर लगा, इसलिए भाई मैं भाई चलो सोचेंगे, बाद में बताएंगे, ब्योत बनाएंगे, अपना पैसे इकट्ठे करेंगे 1500 रुपए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है भी आपका एक और नई वीडियो में। आज भाई अपनी टोयोटा फॉर्चुनर की एक तरह से 90,000 वाली जो सर्विस है वो आ चुकी है। हमने ना लास्ट वाली जो है 81,000 पे कराई थी, तो एक तरह से उसके 10,000 91 ही हो गए। तो इसकी जो आज हम सर्विस कराने वाले हैं भाई, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो हमारी गाड़ी है ना, इसमें हमने कॉन्टिनेंटल के टायर डलवाए थे, आप सबको पता ही है। तो कॉन्टिनेंटल के जो टायर है ना भाई, उसका जो एक्सपीरियंस है वैसे तो काफ़ी बढ़िया रहा हमारे लिए। मतलब गाड़ी में ना कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। मेन जो दिक्कत आई ना वो रही है इस गाड़ी की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की। भाई इस गाड़ी में ना मतलब वो टिकता ही नहीं है। मैंने ना कई जगह से अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा के देख ली, कहीं नहीं टिक रहा था। पर मैंने ना लास्ट टाइम टोयोटा में ही कराया था, उसके बाद मेरे को ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आई। 19-20 का है ना, मतलब अभी भी फर्क लगता है। ब्रेक्स की कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक्स हैं मेरे, आपको बता देता हूँ, 70,000 वाले चले थे फ्रंट, 80,000 चले थे रियर वाले। मतलब जैसे हम फॉक्सवैगन की वरना में जैसे 30-35,000 के बाद चेंज होते हैं, वर्टस में हर 10-12,000-15,000 किलोमीटर के बाद या 6,000 किलोमीटर के बाद भी चेंज करवा रखे मैंने तो। और ये देख लो भाई 70,000, मतलब है ना टोयोटा की ये बात बढ़िया लगती है। अब यहाँ पे ना कोई मतलब वही बात है, कोई कुछ भी गए, महिंद्रा कुछ भी नहीं है भाई, टाटा कुछ भी नहीं है, वो इतनी महंगी पड़ जाती है। अपने ब्रेक पैड्स जो है वो मैंने चेंज करा ली, कोई दिक्कत ही नहीं आई है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं, कोई फालतू आवाज़ नहीं। डीजल में थोड़ी बहुत जो आवाज़ रहती है वो रहती है, बाकी गाड़ी में थोड़ा बहुत ना सामान निकालना भूल गया था, वो जो है मैं इसमें डाल के लॉक कर दूंगा इसको चाबी से, क्योंकि भाई आज सैटरडे है और फिलहाल में 11 बज चुके भाई, बहुत लेट हो गया मेरे को। मेरी होता मैं सबसे पहले जाके नंबर लगवाऊंगा, जल्दी निकल जाऊंगा करवा करूँगे, बट लेट हो गया भाई क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिल पाता। एक तो एक गाड़ी में दिक्कत बताऊँ क्या, अब जैसे मैं ना इसको अनलॉक करूँगा, आवाज़ सुनना, मतलब ये ना ये जैसे यहाँ पे ना हाइड्रोलिक्स वगैरह हैं जो इसमें इनकी ग्रीजिंग होती है, वो WD-40 लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो मेरे को नहीं पता भाई, आज वो भी करवाना इनसे, मतलब देखना। हालांकि टाइम टू टाइम साफ़ करता था मैं, पर अब काफ़ी टाइम से साफ़ भी नहीं हुई थी गाड़ी, तो ये देख लो भाई। बाकी हमारे शेर के बाल दिख जाएंगे आपको गाड़ी में, आवाज़ करेगा अब। नंबर हम दिखाएंगे नहीं भाई, नंबर इसलिए नहीं दिखाता यार, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी अगर स्टोरी डालता हूँ ना किसी वर्टस से अलग गाड़ी की, तो मैं नंबर छुपाता हूँ, क्योंकि भाई देखो जो चीज़ डेली यूज़ में मैं चलाता हूँ उसकी बात अलग रहती है भाई, क्योंकि आपको भी पता है अगर हम कहीं सोशल साइट्स पे या कहीं पे गाड़ी वाड़ी डालते हैं ना नंबर के साथ, तो थोड़ा बहुत है ना नज़रों में आती है गाड़ी, चाहे आपने काम करा रखा हो या ना करा रखा हो। तो मैं होता हूँ तो यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती पब्लिक में ऐसे जाने के, पर गाड़ी की अगर पहचान हो जाती ना तो यार घर वालों की प्राइवेट लाइफ, यार वो घर वालों को कोई ऐसे दूर से कुछ यूँ बोल दे या कुछ देखे ना, तो यार समझ रहे हो ना थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं ना ये थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन करता हूँ हमेशा अपनी, जो डेली यूज़ में मेरे को पर्सनल में गाड़ी रखता हूँ और जो 2-3 दिन में हफ्ते में रखता हूँ उसका फ़र्क रहता है, क्योंकि भाई मैं आधे टाइम से गुड़गांव ही रहता हूँ, रोहतक में रहता नहीं हूँ। तो मैं चाहता कि भाई मेरी वजह से घर वालों को कुछ ऐसा हो, समझ सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं भाई, और अगली सर्विस अपनी लाख की हो जाएगी यार। मैं सोच रहा हूँ कि बार है ना एक ट्रिप मैं फॉर्चुनर में करके आऊँ, मेरे को कमेंट करके बताओ यार, बताऊँ क्या है ये गाड़ी पे ना, एक दो बार हमने ये गाड़ी तो ले ली, मैं सही बता देता हूँ, हमने ना आते ही जैसे अगले दिन राजस्थान के पूरे ट्रिप पे निकल गए, फिर गुजरात पूरे ट्रिप पे निकल गए, मतलब पूरा गुजरात कवर करा, 5,000-5,000 किलोमीटर, मतलब 10,000 किलोमीटर तो इसमें ऐसी चली है ये, लद्दाख जा चुकी है, काफ़ी जगह जा चुकी है जाने को तो ये। पर एक मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक अच्छा सा ट्रिप मार के आऊँ सबके साथ, मतलब मेरे को कहना कमेंट करके बताना, मेरा बहुत मन है इस गाड़ी में, क्योंकि यार मैंने शायद से ना यूट्यूब पे इस गाड़ी का इतना नहीं दिखाया ट्रिप वगैरह, तो मतलब परफॉर्मेंस खुद तो मैंने पूरी परख रखी है गाड़ी की, बहुत चला ली भाई बहुत चलाई है, पर अब जैसे इतने साल हो चुके ना और गाड़ी इतनी कम, क्योंकि वर्टस मैंने एक साल में 50,000 चल चुकी है भाई ऑलरेडी, वो मतलब 49,400 चलती है, मतलब मोटा मोटा भाई 50,000 ही मान लो आप,
तो यार अब ये गाड़ी इतनी कम चल गई उस हिसाब से, तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि थोड़ा इस गाड़ी पे ध्यान देते हैं और इस पर अच्छे से, इस पर जो है अच्छे अच्छे ट्रिप मारते हैं, तो मेरे को कमेंट करके बताना भाई। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ भाई, अब काफ़ी कहोगे भाई बहुत कम वीडियो आ रही है, भाई देखो वीडियो मतलब है ना मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं ना बहुत एक तगड़े प्रोजेक्ट पे काम करने लग रहा हूँ जिसकी मैं डिटेल में डेली वीडियो शुरू होएंगी जैसे ही वो प्लान एग्जीक्यूट होएगा, मतलब जिस जो तैयारी चल रही है अभी उसकी, मतलब कहते हैं ना कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है और काफ़ी हिसाब किताब लगाना पड़ता है, वो चल रहा है फिलहाल। जैसे ही उस पर कामयाब हो जाएंगे कि हाँ अब शुरू करते हैं, उसी टाइम से वीडियो शुरू हो जाएंगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग जो है हमारे चैनल पे, हम क्या क्या दिखा सकते हैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें वो दिखाएंगे। क्योंकि भाई देखो मेरा वो काम नहीं है कि मैं मतलब एक रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी वीडियो डाल दो भाई, कुछ भी वीडियो, आपको पता है भाई जनता फिर ऐसे देखती भी नहीं है, जो अच्छी वीडियो होते हैं क्वालिटी वाली जनता उसी को पसंद करती है, तो इसलिए हमारा वो काम नहीं है कि मैं कुछ भी जो है आप सबको दिखाऊं। Years later. टोयोटा ट्रस्ट टोयोटा से निकल चुके हैं पूरे 5 बजे, 5 बजे जाके जो है ना अब गाड़ी मिली है, तो आपको जो है खर्चा बता देते हैं कितना पैसा लगा हमारी गाड़ी को पूरी को सर्विस होने में। सुबह 11 बजे गया था मैं, तो अब मेरे को 5 बजे गाड़ी मिली, तो एक तरह से मोटा मोटा 6 घंटे में गाड़ी मिली है भाई। और ये मतलब एक्चुअल सिचुएशन है भाई जो मैं आपको बात बताऊंगा, बिल्कुल एक्चुअल बताने वाला हूँ उसमें। देखो क्योंकि मेरा तो शोरूम है नहीं, टोयोटा मेरा थोड़ी है कि मैं बड़ाई बड़ाई करूँगा, जो एक्चुअल वो है ना बात जो मैंने फील करी वहाँ पे सब वो बताऊँगा। चाय कॉफ़ी चलता रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कस्टमर अच्छे से मतलब बैठ सकता है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टाइम का थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि एक तरह से 11, एक तो सैटरडे भी था आज, एक तरह से वीकेंड, तो गाड़ियाँ भी कई लग रखी थी पहले से ही, और इन्होंने वैसे दिया भी मेरे को 4:30 का ही टाइम था, तो उस हिसाब से ठीक है। मैं वहीं बैठा था वैसे शोरूम पे ही, मेरे को कुछ काम कूम था, और फिर भी भाई यार क्योंकि मेरे घर से है ना ये आधा घंटा हो जाता है, तो मैं भी यार आधा घंटा जाऊँगा आधा घंटा फिर आऊँगा, बीच में अगर कोई और काम में फंस गया फिर टेंशन, इससे अच्छा ये है कि मैं पूरा टाइम मैं यहीं लगा देता हूँ, इसलिए यहीं बैठा रहा कुछ काम कूम करता रहा स्टूडियो का। अब है ना सर्विस होने के बाद भी गाड़ी वैसी, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है। इस गाड़ी में ना ये नहीं पता चलता कि आपकी गाड़ी की सर्विस जो है मतलब 10,000 से भी थोड़ी बहुत ऊपर ही चल गई होगी, पर ये फील नहीं होता कि यार तेरी सर्विस जो है इंजन ऑयल मतलब ये सब चेंज करवा, फील नहीं आती क्योंकि एक तो मेरी गाड़ी बिल्कुल ही लोकल लोकल चलती है और खराब ड्राइविंग हमारे घर में है नहीं भाई, ठीक है अपनी गाड़ी टिप टॉप रहती है इसलिए बहुत मेंटेन्ड है, कोई फालतू की मतलब वो नहीं है वाइब्रेशन वगैरह या कुछ भी। बिल से पहले आपको मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि भाई देखो जो इनकी वॉशिंग है ना, आज मेरे को वॉशिंग में मज़ा नहीं आया, मतलब वहाँ पे गाड़ी ना एकदम जैसे सही लग रही थी मेरे को दूर से मैंने देखी। एक तो मैंने पहले ही कह दिया था मेरे को पॉलिश कहीं पे भी नहीं चाहिए, ना मेरे को उसमें मैट्स पे चाहिए, ना मेरे को टायरों पे चाहिए, ना मेरे को जो है इनके मड फ्लैप्स पे चाहिए, और ना ही कहीं पे इंटीरियर में, क्योंकि भाई मेरे को है ना इनकी पॉलिश समझ में नहीं आती, वो कुछ टाइम बाद है ना वाइट कर देती है उस चीज़ को, गाड़ी बिल्कुल डल हो जाती है और पुरानी पुरानी दिखती है, तो इसलिए मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं है। गाड़ी ना मैंने दूर से देखी मैं, हाँ ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मिट्टी है ये यूं क्यों है, मेरा ध्यान अभी बहुत ध्यान से गया मैं यार ये मिट्टी देखना, मतलब कैमरे में भी कैप्चर हो रही है, मतलब ये जो मैं अपने ये देखना भी हाथ से भी मेरे मतलब हाथ पे भी लग चुकी है, तो इनके कपड़े पे क्यों नहीं लगी है, मतलब मैं ना आ रहा था ना तो मैंने अच्छे से ध्यान से देखा, क्योंकि यार एक तो वहाँ पे बहुत देर होगी इतना वहीं पे रहे तो थोड़ा ये क्यों भी रहता है कि यार बोर से हो गया अब तो यहाँ से निकल लो अपना काम कुम करवा के। पुराने फिल्टर वगैरह इन्होंने ये दे दिए मेरे को, बाकी ठीक है सारा सामान मैंने इसमें रखा था, उन्होंने कुछ नहीं छेड़ा इसमें भी। उसके बाद जैसे अब ये ऐसे था तो मैं ऐसे कैसे अपने यहाँ से निकल गया भाई, मैंने ये चीज़ चेक ही नहीं करी, अब देखना मैं इसको खोलूँगा, मैंने फ़ोन रखने के लिए मैं खोल रहा था इसको, ये देखना अभी ये वाली मिट्टी मेरी आँख से यूं की हुए हैं, तो यार इन्होंने साफ क्या करा देखा जाए, टाइम देख लो कहीं यूं को पुरानी वीडियो दिखा दी ये वाली है देख लो,
अब इस पे मेरे को तो, और मेरे को ना उस टाइम पे याद था, मैं जब यहाँ से वहां निकला कि यार ये ना कई दिनों से है और मेरे को साफ, चलो अब सर्विस पे दूंगा ना वही करके दे देंगे, हालांकि मेरा खुद का स्टूडियो है भाई, मैं भी वहां पे लेके नहीं जा पा रहा था गाड़ी को। पर एक बार फिर सोचो आप कि यार आप कंपनी में गई थी पूरी गाड़ी को इतना चेक करते, इतनी लेयर उससे कि अब यहाँ इसके पास यहाँ जाएगी, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, भाई यही साफ नहीं करा। चलो ठीक है, मेरे को इतनी उम्मीद भी नहीं थी, यहाँ मिट्टी थी, ये यू क्यों हुए हैं भाई। अब अगर सर्विस स्टेशन खोली है, देखो जैसे ये है यहाँ पे है, तो ये है भाई। अब मेरे को इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, मेन जो सर्विस थी वो हो चुकी है, उससे ज़्यादा मैं करता नहीं, पॉलिश नहीं लगाई, एक सबसे अच्छी बात, नहीं तो हर बार इसी की लड़ाई होती थी कि यार पॉलिश क्यों लगा देते हो। अब आपको दिखाते हैं पैसा कितना लगा, पैसा कितना लगा, पैसा कितना लगा, कितनी जेब खर्च होगा वीकेंड पे, पार्टी के टाइम पे और मेरे बर्थडे के बाद में, अब क्या खर्चा आ गया एक नया, और वो दिखा देते हैं अभी। अलाइनमेंट बैलेंसिंग मैंने इन्हीं से करवाई थी, तो ये वेट जो डला है वो डला है 424 रुपए का। फिर बारी आती है मेन बिल की, तो एक तो ये जो व्हील अलाइनमेंट और वो मैंने टायर की रोटेशन कराई थी, आपको भी करानी जरूरी है भाई, वो हर 10,000 किलोमीटर पे, मतलब ये साथ में करा लिया करो, तो ये प्राइसिंग आप देख सकते हो। रेडिएटर फैन, मतलब ये इन्होंने कहा था कि हम क्लीन कर देंगे, 270 रुपये का पड़ा है ये, मतलब वो कह रहे थे कि जैसे एसी की जो पाइपें होती है ना, वो कई बार उनमें मिट्टी घुस जाती है और वो फिर जम के वो थोड़ी मतलब डैमेज हो जाती है, तो मेरे ये था 250 रुपये का है। अब इतनी गाड़ी चल भी चुकी है तो थोड़े टाइम बाद कुछ एक्स्ट्रा रखना भी चाहिए ताकि हो जाए, ऑप्शनल रखा था मैं, वो बोले करवाना तो करवा लो, तो मेरे को लगा यार क्लीनिंग ही है, करवा लें तो बढ़िया है, बाकी मेरे आगे ही हुआ था ये काम, मतलब मैं वेटिंग एरिया से देख रहा था। 90,000 किलोमीटर सर्विस इंस्पेक्शन ये डला है 3280 रुपये का। विंडशील्ड वॉश 70 रुपये का पानी इन्होंने डाल दिया मेरी गाड़ी में। इंजन ऑयल चेंज हुआ है 3172, नॉर्मली डलवाता हूँ भाई मैं, सिंथेटिक नहीं डलवाता कभी भी। एयर क्लीनर मतलब एक तरह से जो फिल्टर है ये चेंज हुआ है 1800 रुपये का। गैसकेट चेंज हुई है, ऑयल फिल्टर हुआ है 474, बल्ब चेंज हुआ है 114 रुपये का, बैटरी में पानी डाला इन्होंने वो है 22 रुपये का, ठीक है। और तो सब आप समझ गए होंगे, एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि ये बल्ब किस चीज़ का चेंज हुआ है। तो बल्ब जैसे हम लाइट ऑन करते हैं तो नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइटें होती हैं उसका एक बल्ब फ्यूज था, मेरे को पता था, और मैं पहले तो सोच रहा था इसको बाहर से लगवाऊंगा, बाहर भी वैसे सेम पैसों में ही लगनी थी, मैं सोच रहा था वाइट लगवा लूंगा। मेरे ये था मैं यार अब छोड़ ना, अगर ये बदलेंगे तो बदल देंगे, नहीं बदलेंगे तो अपना बाहर से बदलवा लेंगे। अब एक तरह से बस इतना महंगा हो गया, 100 रुपये में बाहर से दोनों बदलवा देता, 114 रुपये में मेरा एक बल्ब चेंज हुआ है पीछे का, तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं, अब इन्होंने बदल दिया वो बदल दिया। 11,475 मतलब एक तरह से 11,480 रुपये। ओके गाइस, ये जो खर्चा है ना मैं आपको बता देता हूँ, अब देखा जाए अलाइनमेंट बैलेंसिंग ना 1500 से 2000 रुपये के आसपास बनी है, तो इसमें से सीधा मान लो 10,000 रुपये कम हो गए। उसके बाद अब जैसे वो हर टाइम पीरियड के हिसाब से रहता है, मतलब एक बार मेरी गाड़ी की सर्विस 8,000 में भी हुई है, एक बार मैंने 20,000 भी दिए थे जब इसके ब्रेक पैड वगैरह सब कुछ चेंज हुए हैं, फिर एक बार कई बार इसका कोई फिल्टर चेंज होता है, कई बार इसका कोई फिल्टर चेंज होता है, कई बार ऑयल मतलब वो सब जो है ना रोटेशन में, मतलब कभी कुछ ऐसे चलता है। एवरेज खर्चा मानो ना आप इस गाड़ी का तो 10,000 रुपये है। अब कई यूँ कहते हैं कि भाई मेरी तो गाड़ी की सर्विस है ना, हर फॉर्चुनर की सर्विस मतलब हर 10,000 रुपये 15,000 से 20,000 रुपये की होती है। अब वो मेरे को समझ में नहीं आता भाई, या तो वो चलाने के ऊपर है कि भाई छेड़ा छाड़ी कुछ ज़्यादा हो रही है गाड़ी में, या तो तब वो चांसेस हैं। पर मेरी गाड़ी का पर्सनली आप सबके आगे भाई पूरी वीडियो डाल रखी है हर किलोमीटर की, मतलब जो सर्विस हुई है 10,000 रुपये एवरेज है कि 10,000 रुपये जो है 10,000 रुपये का जो है वो खर्चा आता है। तो मेरे को तो भाई बहुत सही लगता है यार, फॉर्चुनर है एक तरह से, 7 साल पुरानी गाड़ी है, टाइम टू टाइम मैं इसकी सर्विस कराता हूँ, मेंटेन्ड है पूरी गाड़ी, कोई खरोच नहीं, कुछ नहीं फालतू की चीज़ें गाड़ी में, ना कोई इंजन की दिक्कत, ना गियरों की दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर गाड़ी भाई अब इतनी ले रखी है शौक है, और 10,000 रुपये तो नॉर्मल है यार। अब कई यूँ कहते हैं कि यार फोर्ड इस मामले में फोर्ड बहुत महंगा है, सस्ता है, फोर्ड का भी मेरे को लग रहा है बराबर ही है, पर कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से उसकी महंगी महंगी पड़ती है। कमेंट करके बताना कि आपका क्या रहा भाई। वैसे देखा जाए ना आज तक मेरे सबसे महंगा बिल है ना 18,000 या 20,000 रुपये ही बना है फॉर्चुनर का, 90,000 किलोमीटर तक का। अभी भी इसकी डिस्क जो है वो चेंज नहीं हुई है, डिस्क मतलब यूँ की हुए हैं कंपनी वाली। अब देखना मैं इसको करूँगा ना, अभी ये थोड़ा थोड़ा इसमें जमने लग रहा है, मतलब अभी अच्छे से है ना, इतना वो हुआ नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अब जैसे ना ये है,
हम इसको ऐसे पैक कर देते हैं, तो जो इसकी ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये जो आप गम देख रहे हो, ये जो चिपकाते हैं हम इसको, मतलब यहाँ पे ऊपर लगाने के लिए, इतने साल हो गए ना, तो अब ये भी बिल्कुल डल हो चुका, मतलब ख़राब ही हो चुका है, अच्छे से ना चिपकता नहीं है। जैसे हम इसको ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये बजता है इस पर आगे, मतलब टक 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 थोड़ी है ना आवाज़ आती है, इरीटेट कर देती है कई बार। तो मैंने इसका पता करा कि भाई इसका क्या खर्चा है, तो वो बोले कि 1500 रुपये का, हमने थोड़े दिन पहले एक गाड़ी में करा था, 1500 रुपये में ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अभी तो मैंने कुछ कराया नहीं, और वो ऑर्डर पे ही आता है, ऊपर मेरे को 1500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं लगे, मतलब एक तरह से इस छोटी सी चीज़ के 1500 रुपये, तो मतलब मेरे को ना थोड़ा ओवर लगा, इसलिए भाई मैंने तो मैं भाई चलो सोचेंगे बाद में बताएंगे, ब्योत बनाएंगे अपना, पैसे इकट्ठे करेंगे 1500 रुपये। जैसे हमारा शेर है, इसके बाल देखो अभी भी गाड़ी में रह रखे हैं, मतलब अच्छे से क्लीनिंग है ना, क्लीनिंग अभी भी उन्होंने करी नहीं है, बाकी ठीक है। हाँ एक ये यो भाई साहब, यहाँ पे आके पता चलती है, घर पे आके एक्चुअल पता चलता है, ये देख लो। तो यही थी वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखी इसको लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्या आप ये बता देना कि इस गाड़ी के साथ ट्रिप पे कहाँ जाएं, और जाएं इस गाड़ी में या ना जाएं वो भी कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।